तस्मानियन टाइगर, बूबल, डोडो जैसे और भी बहुत से जानवर जो 100 सालों में इस धरती से पूरी तरह खत्म हो गए, और इन सभी के खत्म होने की वजह थे इंसान। इन जानवरों के अलावा एक और भी ऐसा जीव है जो हमारी वजह से आज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसकी बात हम अभी आगे वीडियो में करेंगे। इंसान एक लौता ऐसा जीव है जिसकी लालच की वजह से कई जानवर खत्म हो गए, जंगल काटे गए, शिकार किया गया, जिससे जलवायु बदलती गई और जानवर इसी तरह खत्म होते गए। कुछ जानवरों को तो इंसानों ने ही खुद ही मारकर खत्म कर दिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बूबल हार्ट बीस्ट का। बूबल हार्ट बीस्ट 50 के दशक में ही खत्म हो गया था। ये आमतौर पर सहारा रेगिस्तान के उत्तरी इलाके में पाया जाता था। ये रेत के रंग का ही होता था। 19वीं सदी में इनकी संख्या तेजी से घटने लगी जब कॉलोनियल मिलिट्री द्वारा एक ही बार में इनके पूरे झुंड को मार दिया। 1902 में ट्यूनिशियाई एटलस देश में टाटाउइन के पास इस प्रजाति के आखिरी जानवर को गोली मार दी गई थी। इस घटना के बाद सभी को ऐसा लगा कि बूबल अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, पर मोरक्को में इनके आखिरी झुंड को देखा गया जिसमें केवल 15 बूबल ही थे। सन 1917 में 3 बूबल को छोड़कर सभी को एक ही शिकारी ने मार डाला। इसके बाद भी इनका शिकार होता रहा। इस झुंड के आखिरी जानवर को 1925 में मिसौर में गोली मार दी गई थी। उसके बाद ये फिर कभी नहीं दिखाई दिए। ये रंगीन कलर का तोता था जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स सीमा क्षेत्र में फैले घास के जंगलों में रहता था। इसकी पूंछ की लंबाई लगभग शरीर के बराबर थी, जिससे तेज उड़ लेने के बावजूद भी ये अपना लगभग सारा समय जमीन पर ही बिताता था। पैराडाइज पैरट 1920 के दशक में ही लगभग खत्म हो गए थे। 1927 के बाद से ये पक्षी नहीं देखा गया। इनके खत्म होने की बड़ी वजह थी जंगलों की कटाई, जंगल की आग, शिकार, कुत्ते और बिल्लियों द्वारा मारा जाना। ये दीमक के बमीठे में अपना घोंसला बनाते थे। अब ना बमीठे बचे ना इनका घर। इंसानों ने अपने विकास के आगे किसी की भी चिंता नहीं की, जिससे आगे भी कई प्रजातियां खत्म होती रहीं। तस्मानियन टाइगर 30 के दशक में खत्म होने वाले ऐसे जीव थे जिन्हें आखिरी बार 1936 में देखा गया था। उसके बाद ये कभी नहीं दिखे। आगे से ये किसी भेड़िये की तरह दिखते थे, जबकि शरीर के पिछले हिस्से पर बाघों जैसी पट्टियां बनी होती थी। ये आम तौर पर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में ही पाए जाते थे। मुख्य रूप से शिकार ही इनके खत्म होने की बड़ी वजह थी, लेकिन कुछ जंगली जीवों जैसे टाइगर और हाइना ने भी इनका शिकार किया था, जिससे आबादी कम होती चली गई। इसके अलावा बीमारियों ने भी इन तस्मानियन टाइगर्स की जान ले ली। जेरसिस ब्लू तितली को आखिरी बार 1941 में देखा गया था। इसके बाद ये खूबसूरत तितली दुनिया से लापता हो गई। हैरानी की बात यह है कि 1852 में ही तितली की इस प्रजाति को खोजा गया था, यानी 100 साल से भी कम समय में तितली की ये प्रजाति धरती से खत्म हो गई। इसके पंख चमकीले और नीले रंग के थे, जिन पर सफेद बिंदु बने होते थे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एंटोमोलॉजिस्ट कोरी मॉरियू ने कहा कि जेरसिस ब्लू बटरफ्लाई और सिल्वरी ब्लू प्रजातियों में बहुत ज्यादा समानताएं हैं। जेरसिस ब्लू बटरफ्लाई के डीएनए की जांच करने के बाद पता चला कि इस तितली के खोजे जाने के बाद से इसके खत्म होने तक इसके डीएनए में इतनी तेजी से बदलाव आए कि ये प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो गई। इतनी तेजी से किसी भी जीव के डीएनए में बदलाव या टूट फूट नहीं देखा गया। तेजी से बढ़ते शहरों, प्रदूषण और हैबिट खोने की वजह से जेरसिस ब्लू तितली की प्रजाति खत्म हो गई। डोडो मॉरीशस का स्थानीय पक्षी था। डोडो पक्षियों की कबूतर की प्रजातियों के साथ काफी समानताएं थीं। उनके पास एक मजबूत शरीर और छोटे पंखों के साथ एक बल्ब के आकार की चोंच थी। इंसानों से पहले उनके निवास स्थान पर कोई अन्य शिकारी नहीं था। ये पक्षी मॉरीशस के जंगलों में शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन जी रहे थे। खास बात यह है कि ये पक्षी होते हुए भी उड़ नहीं सकता था। यही इस पक्षी के खत्म होने का कारण बन गया। ऐसा कहा जाता है कि जब 17वीं सदी में नाविक यहां पहुंचे और उन्होंने पाया कि इस पक्षी को पकड़ना तो काफी आसान है, भले ही इस पक्षी का स्वाद अच्छा नहीं था,
लेकिन फिर भी कई नाविकों द्वारा ये मारकर खाए गए। जिस द्वीप पर ये पक्षी रहते थे उस द्वीप पर लोग घर बनाकर रहने लगे, जिससे पक्षियों को और उनके आवासों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। समस्या तब और बढ़ गई जब इंसानों द्वारा पाले गए बिल्ली और सुअर जैसे छोटे जानवर उनके अंडे खाने लगे। डोडो पक्षी एक समय में एक ही अंडा देते थे और तब ये अंडे ज्यादातर अन्य जानवरों द्वारा खा लिए जाते थे। नाविकों ने इन पक्षियों का इस हद तक शोषण किया जिसकी वजह से इनकी आबादी में भारी गिरावट आ गई और ये खत्म होते गए। ये पक्षी अब इस बात का उदाहरण है कि किस तरह इंसानों की लापरवाही और क्रूरता के कारण इस धरती से एक मासूम जीव खत्म हो गया, ऐसा जीव जो आज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुगनू की। जुगनू पृथ्वी पर डायनासोर के युग से हैं। पूरी दुनिया में जुगनुओं की लगभग 2000 प्रजातियां हैं। जुगनू रात में इसलिए चमकते हैं क्योंकि इनके पेट में एक रोशनी उत्पन्न करने वाला अंग होता है। दरअसल जुगनू विशेष कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और इसे अपने शरीर में एक लूसीफेरिन नामक तत्व से मिला देता है। जैसे ही ऑक्सीजन और लूसीफेरिन मिलता है, इनके रिएक्शन से एक रोशनी उत्पन्न होती है। इस रोशनी को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। हालांकि इस रोशनी में गर्मी बिल्कुल ना के बराबर होती है, पर अब जुगनू तेजी से गायब हो रहे हैं। क्या आपको याद है आपने आखिरी बार इन्हें कब देखा था? शहर तो छोड़िए, अब ये हमारे गांवों से भी गायब हो गए हैं। इनके खत्म होने की सबसे बड़ी वजह है लाइट। साल 2018 में इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया कि जिस इलाके में रोशनी ज्यादा होती है वहां जुगनू रास्ता भटक जाते हैं, यहां तक कि लाइट की वजह से ये अंधे तक हो जाते हैं। दरअसल घने पेड़ और झाड़ियां इन्हें लाइट से बचाती हैं, लेकिन अब पेड़ और झाड़ियां तेजी से खत्म हो रहे हैं और इसी वजह से प्रकृति की ओर से दिए गए ये खूबसूरत तोहफे अब हमें अपने आसपास टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ये हम सभी का घर है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने विकास के लिए उन जानवरों को भी ना खत्म कर दें जो आज अभी भी हमारे आसपास मौजूद हैं।